बड़ा ज्योतिर्लिंग अमरनाथ की गुफा, वैष्णो देवी, ये सारे लोग। अरे बढ़ गया गर्म है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बढ़िया हूँ, एक नंबर फर्स्ट क्लास। तो अभी टाइम हो गया दोस्तों 11 बज गए, तो गुड आफ्टरनून, राम राम सा, जय माता दी, खंबा गली और जय हिंद। तो ये देखो आप, तो आज हम आए हैं मंदिर श्री घुसमेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग शिवालय। तो दोस्तों, आज हम जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे और स्वाई माधोपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे स्थित देवगिरी पहाड़ी पे स्थित भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिसके मैं आपको दर्शन करवाने लाया हूँ। और ये सामने आप देख सकते हो कितना शानदार और भव्य मंदिर है ये। दोस्तों, आज का सफ़र मेरे साथ आप शिवाड़ में करोगे, तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मास्क वास्क लगा के आएँ और मंदिर का दर्शन करें, जो कि मैं आपको करवाता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने जो ये गौ माता है, इनकी भी एक अनोखी कहानी है। इनके कान में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप शिवजी से मांगना चाहते हो, तो इनके कान में बोल दीजिए और ये सीधा आपको शिवजी से कांटेक्ट करा देगी। और एक बार में एक ही जना बोले, नहीं तो नंदी कन्फ्यूज हो जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये साइड में आपको छोटे मोटे मंदिर और भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं मेन मंदिर में, और जो ये कांच की कारीगरी की गई है, ऐसा लगता है जैसे कि एक सोने की कारीगरी की गई है। तो अब हम आपको भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं सीधा जाके, और हम आपको दिखाते हैं ये पूरा मंदिर। और इस शिवलिंग की खासियत है कि इसको 12 घंटे पानी के अंदर डुबा के रखते हैं, और बाकी 12 घंटे में इसके आप दर्शन कर सकते हो। अभी तो इसमें पानी नहीं है, क्योंकि 12 से 4 बजे के बीच में पानी नहीं रहता। यहाँ घुसमा नाम के ब्राह्मण तपस्या की थी, जिसे भगवान स्वयं प्रकट होकर बोला घुसमा वरदान। घुसमा ने बोला, हे प्रभु, आप मेरे नाम से ही विराजिए, इसलिए इनका नाम घुसमा। तो यहाँ की जो सस्य गेट अभिषेक किया जाता है यहाँ पे, वही गाय के चरण तक किया जाता है। गाय के चरण 1008 का आगे के गाय के चरण, हाँ ये है ना। अच्छा, यहाँ तक 1008 गट का अभिषेक किया जाता है। अच्छा, वो सामने से दर्शन होता है उस कांच से? कांच से दर्शन, ये नीचे गहरा है से। अच्छा अच्छा, तो ये कांच है, और यहाँ से फिर इसमें है शिवलिंग। तो कुछ हिस्ट्री तो होगी ना इनकी? हिस्ट्री बस यार, पहले जाल का पेड़ था यहाँ पे। अच्छा, गाय आती है, किसने आती थी तो वहाँ पे अपना आप आके और दूध देना चालू कर देती थी। अच्छा, उस टाइम किसने कहा, इसने बोला जिसकी गाय थी, वो बोला कि भाई मेरी गाय कहाँ जाती है, इसका दूध कहाँ निकलता। हाँ। तो यहाँ आके देखा, उसने पीछा किया एक बार। अच्छा, पीछा किया तो उसने आके देखा कि यह कोई चीज़ या कोई हवा या कुछ चीज़। हाँ। उसने आके देखा तो अपना आप आके गाय अपने हाथों में दूध गिरने लग जाता था। अच्छा, खुद ही ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो जाता था।
तो उसने कहा कि कृष्णा खाती तो उसने एक कुठार का किया उसने कृष्णा ने कृष्णा खाती का तो उसने पाषाण को हो गया पाषाण होने के बाद भी विलाप किया उसने उसकी पत्नी ने कहा कि भाई कैसे क्या क्या अच्छा। हिसाब से फिर वापस पाषाण को वैसे हो तो मेला वेला कब बढ़ता शिवरात्रि शिवरात्रि में बढ़ता है कितने श्रद्धालु आ जाते हजारों आदमी आते हैं अंदर से नीचे से यहाँ छोटा यहाँ पड़ता था ना ये पानी ये उसमें बाहर का रहता था पूरा भर के नीचे से निकलता था पहाड़ों का पानी पहाड़ों का ऊपर जो वो है 25-30 साल बनाए ये पूरे बड़ा ज्योतिर्लिंग अमरनाथ की गुफा वैष्णो देवी सारे निर्माण कार्य किसने किया था निर्माण कार्य ट्रस्ट ने किया तो दोस्तों इस मंदिर के बारे में ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है और जो ये ज्योतिर्लिंग था ये जलमग्न रहता था उसका भी ये कारण पूरा पूरा लिखा हुआ है और ये सामने गणेश जी की प्रतिमा जो कि शिव जी के लड़के थे और ये देखो बहुत ही शानदार मूर्ति है और ये अंदर एक छोटी सी मूर्ति और है जो कि शिव जी और ये सारी मूर्तियाँ आपको यहाँ पे जब खुदाई की गई थी ना तब निकली गई थी और ऊपर देखो यहाँ पे भी कांच की वर्किंग की गई है और ये सामने पूरे परिवार के साथ में शिव जी महाराज विराजमान है अपने दोनों बच्चों और पार्वती माता के साथ भी यहाँ विराजमान है और दोस्तों यहाँ पर आप ये पीछे से मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर दो फेरी ली जाती है एक तो शिव जी की एक दूसरी पार्वती माता जी की और आपको वैसे पता ही है कि शिव जी की आधी फेरी होती है तो आप उस हिसाब से देख लेना किस हिसाब से आपको फेरी लेनी है और ये देखो आपको मैं सरस्वती माता जी की और ये छोटे मोटे और भी यहाँ पे मंदिर हैं जिनको मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ और दोस्तों ये प्रतिमा देखो आप तो शिव जी महाराज की जो कि राजस्थानी लुक के अंदर दी गई है और ये माता पार्वती और उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय और इधर देखो गणेश जी महाराज तो मतलब पूरी फैमिली के साथ यहाँ विराजमान है शिव ये और ये छोटा सा शिवलिंग और ये श्री ताड़केश्वर जी का भी आपको दर्शन करवा देता हूँ ये देखो छोटे छोटे मंदिर ये बहुत पुराने हैं इन्हीं से पता चला है कि यहाँ पे शिलालेख था और ये देखो आपको शिलालेख दिखा देता हूँ आप वीडियो को पॉज करके और ये हिस्ट्री पढ़ सकते हो पूरी जिसमें आपको पता चल जाएगा और ये एक अंदर जाने के बाद में एक होल आपको देखने को मिलेगा और सामने यहाँ पे कृष्ण भगवान नारायण के रूप में विराजमान है और यहाँ पे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भजन कार्यक्रम और ये होते होंगे और ये सीताराम जो कि आपके सामने है और ये श्री वीर हनुमान जी के भी दर्शन आप कर लीजिए बालाजी महाराज की जय हो और ये राम सीता जिनके हमेशा साथ में ही रहते हैं बालाजी महाराज और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे और भी होल हैं जो मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ यहाँ पे वेद व्यास जी की और सबकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं ये देखो ये आ गया आपके सामने वेद व्यास जी महर्षि और यहाँ आपको सामने विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी के साथ में जो कि नारायण लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है और ये देखो ये है गायत्री माता गायत्री वेद माता गायत्री और इनके बारे में तो आप सबको पता है जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने चार मठों की स्थापना की थी और ये चारों मठों के मठाधिकारी बैठे हैं और ये चमत्कारेश्वर महादेव जी ऐसा बताया जाता है कि जब ये मूर्ति का यहाँ पे स्थापित की थी तो बहुत चमत्कार हुए थे तो इसलिए इनका नाम ये पड़ा है और ये सारे तालाब की खुदाई से निकले थे और ये सामने माता पार्वती की गोद में छोटे से गणेश जी महाराज विराजमान है और इसी प्रकार से निर्माण किया था आप देख सकते हो और ये देखो दोस्तों इन्हीं शिलालेखों से पता चला है कि यही है बारवा ज्योतिर्लिंग ना कि महाराष्ट्र वाला तो आरक के दर्शन करवाते हैं दोस्तों और ये देखो आपको ऊपर बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है दोस्तों यहाँ पे और ये सामने शिव जी महाराज के दर्शन कर लीजिए आप तो हम यहाँ से सीधा आपको ऊपर लेके चलेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे चारों तरफ बर्फ़ है और ऊपर जो शिवाड़ का किला आपको देखने को मिल रहा है उसके भी आपको बहुत जल्दी दर्शन कराएंगे और ये देखो ऊपर ही ऊपर शिवाड़ के किले के नीचे ओम फिर उसके नीचे हनुमान जी महाराज और ये सारे के सारे भगवान यहाँ पे विराजमान है तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कितना शानदार इस पार्क का निर्माण किया गया है
और इसकी 10 रुपये की टिकट है, ज़्यादा भी नहीं है। और मैं पहले आपको नीचे की तरफ मैं आपको एक ले चलता हूँ। और ये देखो, ये है लक्ष्मी माता, जिनको आप सब लोग जानते हो। और ये पूरा देखो सिवाड़ का नज़ारा। और जैसे जैसे मैं कैमरा घुमा रहा हूँ तो आप ये कलाकारी देख सकते हो, जो कि नाक के ऊपर आपको कृष्ण जी दिखेंगे। ये देखो शेष नाग के फनों के ऊपर। और यहाँ जब आप शिवरात्रि के समय आओगे ना, तो आपको देखने लायक ही जगह रहेगी, क्योंकि यहाँ पूरी लाइटिंग हो जाती है, यहाँ से पानी झरना वरना सब रहता है। और ये दोस्त दूर से देखने को ये ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फ़ हो यहाँ पे, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है, ये है ना पेंट किया हुआ है, जो कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको तो ये देखो सामने दोस्तों, क्या शानदार कलाकारी की गई है। और ये सामने ऊपर जो गाय है, इसके मुख से ये जो ऊपर दिख रही है गाय, यहाँ से पानी का झरना बहता है और ये पूरी जगह पर शानदार नज़ारा करता हुआ झरना बहता है। तो दोस्तों ये मैं आपको लेकर आ गया हूँ अमरनाथ की गुफा के अंदर। ये अमरनाथ की गुफा नहीं है, और सबसे पहले आपको मैं गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के दर्शन करवा देता हूँ। और यह इसी गुफा के अंदर है। और यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि जैसे हम अमरनाथ की गुफा के अंदर आ गए हैं और सामने शिवलिंग है, ये उसी प्रकार से उसी डिजाइन किया हुआ है वो है नहीं। और ये ऊपर चमगादड़ों के घोंसले, जो कि अभी अंदर आपको देख रहा है बहुत शांति है, लेकिन जब भीड़ रहती है तब आपको यहाँ पे अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये देखो गौ माता के ऊपर जो कारीगरी की गई है, ये देखो शिवलिंग, शिवलिंग के चारों तरफ लपटा हुआ शेषनाग। और ये देखो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे शिवजी महाराज ने तपस्या की थी। और यह दोस्तों सामने आप देख सकते हो कितनी बड़ी कृष्ण जी की मूर्ति है, और जो इस पे जो नीला कलर किया हुआ है वो भी देखने लायक है। ये देखो कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए यह प्रतिमा दिखाई गई है, और पीछे उनके भक्त बैठे हैं। और ये चारों तरफ का नज़ारा देखो आप, क्या शानदार नज़ारा किया हुआ है। और ये दोस्तों देख सकते हो आप केदारनाथ के दर्शन भी कर सकते हो। और ये देखो जगह जगह छोटे छोटे गुंबद के अंदर अलग अलग जगह की, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग है सबकी, यहाँ पे ये गुंबदों के अंदर है, ये केदारनाथ की है। और जो ये सामने आपको दिख रहा है, जो कि मोर पे विराजमान है कार्तिक है, और यह इस मूर्ति से आपको देखो शेर और गाय एक ही जगह पानी पी रही है, तो ये बहुत कुछ बता रही है। और मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कार्तिकेय की मूर्ति, जो कि मयूर पे बैठे हैं और गणेश जी महाराज चूहे पे बैठते हैं, ये देख सकते हो आप। और इनके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे लड्डू गोपाल श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा, और जस्ट इनके पास में ही आप देख सकते हो दूर कार्तिकेय। और ये रहे हमारे मूसक राजा, जो कि लड्डुओं का स्वाद लेते हैं। और ये देखो आप कारीगरी देखो, इन मतलब कि सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये शिवलिंग के ऊपर शेषनाग। और ये पीछे का नज़ारा देखो आप, तो पीछे का और नीचे का ऐसे लग रहा होगा आपको कश्मीर में आया हुआ हूँ, लेकिन ये जगह है राजस्थान के अंदर सिवाड़, जो कि आप सबको पता होगा ये वही तालाब है जहाँ पे शिवजी ने यहाँ पे किसी राक्षस को, अब उसका नाम शायद गुमटेश्वर बताते हैं, वो नाम है जो कि आप देख लेना। और यहाँ पे देखो रात को जो लाइटिंग होती है ना, वो एक नंबर लाइटिंग होती है। गदा तो आपने बहुत ही देखी होगी, लेकिन ऐसी गदा आपने नहीं देखी होगी भाई साहब। इनकी जो उंगलियां देखो आप, मतलब कि अंगूठा है इनका इतना बड़ा, मेरा हाथ का ये। और एक गदा की साइज तो आप देख ही सकते हो, मेरी फोटो से अंदाज़ा लगाओ तो आप कम से कम 40 डिग्री मार लो, ये तो टेम्परेचर है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, आपके लिए एक लाइक ठोक देना अब इस बात पे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखो, हाँ वहाँ थे हम, वहाँ से यहाँ आए हैं, और
शिव जी के दर्शन करने आए हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों इतने ऊपर आए हम तो इस बात पे लाइक ठोक दो यार, इस गर्मी के अंदर मौसम देखो आप तो। हाँ हाँ हाँ, बढ़ गया गर्म है ये पीछे से। वीडियो का एंड इसी जगह होगा और आपको नेक्स्ट वीडियो स्वाई माधेपुर के मिलेंगे कंटिन्यू तीन वीडियो। आज के दिन ये टूर करूँगा मैं पूरा, लेकिन आपको तीन पार्ट में देखने को मिलेगा वीडियो। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दे यार। तो अब लेते हैं हम इस जगह से विदा, और मैं दो मिनट में नीचे पहुँच के प्यास लग रही है पानी पीऊँगा बिल्कुल। आप एक बार और नज़ारे का आनंद ले लें, बीच में कुछ चीज़ दिखेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। हाँ तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। एक हाथ में कैमरा, यहाँ से रपटा तो सीधा नीचे। ओहो अरे अरे यार अरे यार अरे यार अरे राम 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 राम